मेरा नाम मुनीबा महमूद है। क्या कहना चाहती है? मेरा क्वेश्चन है मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, इतना अच्छा गाती हैं, तो, लेकिन आप तन्हाई में किसको सुनना पसंद करती हैं? मुझे सभी आर्टिस्ट बहुत पसंद है, पर मेरे दिल के बहुत करीब जो है सजाद अली, मैं मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का, थैंक यू वेरी मच। अगला सवा, हेलो हेलो, हाय हाय, व्हाट्स अप, ऑल गुड? यस। क्या कहना चाहती हो आप? मैं गजल सुनाना चाहती हूँ, मैंने खुद लिखी है। माशाल्लाह, प्लीज सुनाए। सुनाए सुनाए। बुझा बुझा सा है समा, उनकी नजरें क्या खूब हैं, आया है मीठी मीठी बातें, उनकी चेहरा उनका नूर है, आया है जहाँ कदम वहाँ बरकते, जहाँ नजर वहाँ रौनकें, उठी नजर क्या चाल है, झुकी नजर वपाल है। अंदाज कितना अच्छा है, अंदाज है जी। कुड़ी गाना भी है, चांजर दी पावा छनका नैना चुडू आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप मजाकरात में आई, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी है आंखों और चेहरे पे। सिर्फ ऐसी हूँ। वैसे ही तो नहीं होती, खुशी के लिए तो इंसान सारी जिंदगी जोर और मेहनत करता रहता है, वजह बताओ। माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे ने, वैसे ही खुशी साढ़े मुँह तो खुशी होती जो पेमेंट मिलती या कि तो कोई इनाम शनाम मिलता हो या दाद मिलती। हाँ तो बुए के सामने एक बंदे ने मिर्गी का दौरा पिया। जी क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा मैम से एक क्वेश्चन है कि मैम आपने कभी कंपोजिंग की है? कंपोजिशन नहीं अभी नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है आप चाहें तो बड़े आराम से बना लेंगे आप। जी, आप नहीं, नहीं मतलब मैं, मेरे फादर हैं, मैं कोई भी चीज हो तो मैं उनको कह देती हूँ, मुझे करके दे देते, बना देते हैं। अब्बू जी जी जी, पांच छह गाने तो बना दो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम क्या है? हमजा। हमजा क्या करते हो? स्टडी करता हूं। किस क्लास में? एफएससी में। क्या बनना चाहते हो आप? भाई क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपने सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया है, तो आप सूफी गायकी करती हैं, तो सूफी ही क्यों, जो कि सबसे टफेस्ट है? मैं ये बताती चलूं कि अभी 15 साल हुए मुझे यहाँ पर आए हुए पंजाब में, यहाँ पर भी मैंने बहुत काम किया है, पर हमारे सिंध में एक बात है कि फर्स्ट क्लास से ही आपको हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के दोहे जो हैं वो बोर्ड पर लिखे जाते हैं, और जो टीचर आता है वो हमें बताता है कि इसकी मीनिंग क्या है, तो वहां पर आप बच्चे बच्चे से पूछेंगे वो आपको सूफीज्म के लिए बता सकता है। तो मेरी भी यही फील्ड थी कि मैं सूफी कलाम ही करूं। वहां पर ज्यादातर आप दरगाहों पे जाएंगे, आर्टिस्टों को सुनेंगे, वो सूफी कलाम ही करते हैं। क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक शुक्र है अल्लाह का सर। क्या करते हैं आप? सर गाड़ी है, मेरी गाड़ी चलाता हूँ अपनी। शोले अच्छा। फिल्म दे अमजद खान नहीं लग रहे कितने आदमी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि जो काम आप कर रहे हैं वो तो बड़ा मेहनत का काम है, उसमें कहाँ वक्त मिलता है किसी को, आप वक्त निकाल के आए जनाब सर, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जो आपको वो आपने स्टार्ट किया भोला से, वो क्या सोच के किया था? वो मैंने इसलिए किया कि यार कि अल्लाह करे कि शायद मैं आपको पसंद आ जाऊं। क्या, तो क्या मैं आपको पसंद आया? जी सर जरूर। ये ड्राइवर बालाकोट पहुंच गए थे, मुसाफरों ने कह रहे थे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिंडी से यहां तक सो के आया हूं। क्या खूबसूरत रंग की शर्ट पहन के बैठे हो शहजादे, आज तक वॉल पेपर ही लग रहे हो। क्या हाल है भाई? और बंदा अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है?
अल्लाह का एहसान। चकवाल बंदा इहो जिहा बटेरा वापस करन जांदा है, नहीं लड़दा जी। जनाब नाम क्या है आपका? एहसन। एहसन साहब क्या करते हैं? एफएससी प्री इंजीनियरिंग। वेरी नाइस, अल्लाह आपको कामयाब करे। क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैम से सवाल है कि मैम को बचपन से ही शौक था कि बाद में पैदा हुआ था सिंगिंग का? बाद में पैदा नहीं हुआ था, बाद में आया था जी। असल में क्या है कि मेरी बेटा पहले मैडम पैदा हुई, फिर इन्हें शौक पैदा हुआ, आज ये सवाल पैदा हुआ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਚਰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ? ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਚੋਰ ਵੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ किसी को समझ आया है उसका जवाब दीजिए। बेसिकली मेरे जो फादर हैं वो एक म्यूजिक टीचर ही हैं, तो हमारी फैमिली में ही यही था, तो मैंने सीखा उन्हीं से सीखा, और ऑलरेडी फैमिली में यही मतलब म्यूजिक टीचर भी थे, रेडियो पाकिस्तान पर भी काम करते थे। होश संभाली तो आप गा रही थी? हाँ, तो ये मतलब पैदा नहीं हुआ, मेरे खून में ही था। अरे थैंक यू वेरी मच। सनम मारवी जी, आपकी तशरीफ आवरी का दिलो जान से बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपकी शुक्रगुजार हूँ, हमारी पूरी फैमिली आपकी फैन है, आप बहुत क्लासिक काम करते हैं। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। मेरी आपके लिए दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा करे कभी कोई गम ना आए, और कोई गम है तो वो चला जाए। खुश रहें, हमेशा आबाद रहें।